बुक नंबर 4, पार्ट नंबर 1, नॉवल निर्वाण की तलाश, पेशकश मेरे कारवां। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो उन्हें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तुम्हारा नाम क्या है? सेसरो, मैंने फौरन कहा। क्या? जैक्सन धारता हुआ खड़ा हो गया। हाँ मेरी जान, वो पिंटू है। दरअसल हमें थॉमसन की तलाश थी और फिर तुम पर हिसाब बाकी था। अब कितनी आसानी से तुमने थॉमसन का पता बता दिया। क्या इससे अच्छी और की तरकीब थी? मार डालूंगा। जैक्सन आपे से बाहर हो गया। उसने खासा कबील जशा होने के बावजूद मेरे ऊपर छलांग लगा दी, लेकिन मैंने आसानी से अपनी जगह छोड़ दी और ऑन द ज़मीन पर दूसरे लम्हे मैंने पिस्तौल निकाल लिया। लेकिन जैक्सन ने दूसरी छलांग एक दीवार की तरफ लगाकर मेरे पिस्तौल से फायर हुआ। गोली जैक्सन की गर्दन में लगी थी। वो उछला, लेकिन उसका हाथ दीवार पर स्याह बट पर जा पड़ा और अलार्म और तेज़ आवाज़ यहाँ तक सुनाई दी थी। दूसरे ही लम्हे मैंने दोबारा फायर किया और जैक्सन का बदन दो मरतबा उछला। मैंने सरदारी को इशारा किया और हम दौड़ते हुए वहाँ से निकल गए। सीढ़ियों पर कदमों की दौड़ती हुई आवाज़ें सुनाई दे रही थी। हम इसी आड़ में हो गए जहाँ थे और हमने उन 8-10 आदमियों को देखा जो पिस्तौलें हाथों में लिए दौड़े हुए ऊपर आ रहे थे। वो तेज़ी से जैक्सन के कमरे की तरफ दौड़े, तब हम सीढ़ियों की तरफ दौड़े। मैंने और सरदारे ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और एक दरवाजे पर खड़े हुए जैक्सन के 2 आदमी मारे गए। बाहर में भगदड़ मच गई। लोग निकल निकल कर भागने लगे और हम भी सफरा तफरी से फ़ायदा उठाकर भागे। काफ़ी दूर तक रुक कर हमने सांस लिया। फिर मैंने सरदारे से कहा, मेकअप उतार दो सरदारे। और ख़ुद मैंने भी अपना मेकअप उतार दिया और इसमें इत्मीनान से एक सिम चल पड़े। कैसी रही सरदारे? काफ़ी दूर निकल कर मैंने पूछा। बस जज्बात को ना भड़काओ उस्ताद, दिल चाह रहा था तुम्हारे सारे वजूद को बोसे दूँ, सरदारे मुसरत भरे लहजे में बोला। तुमने किस चुनाव से इस खतरनाक आदमी को चित किया? 128 गर्ल विंग, मैंने जेरे रब दोहराया। और फिर मैंने चौंक कर कहा, लेकिन दाद के काबिल तो तुम भी हो सरदारे। मैं क्यों उस्ताद? लड़की के मामले में मैंने सोचा कि तुम फिसल गए। ओह नहीं उस्ताद, वैसे भी ज़ोरदार। परवाह मत करो, तुम्हें एक लड़की इनाम मिलेगी। ओह थैंक यू चीफ। मगर कब? कल रात। अब क्या प्रोग्राम है चीफ? यहाँ से निकल चले वरना जैक्सन के कुत्ते अब चारों तरफ फैल जाएंगे और निकलना मुश्किल हो जाएगा। तब आओ उस्ताद, चलें, सरदारे आगे बढ़ता हुआ बोला और मैं भी उसके पीछे चल पड़ा। सरदारे बड़े इत्मीनान से एक स्टोर के पास पहुँच गया। स्टोर लॉक था, लेकिन सरदारे ने एक मखसूस अंदाज से झटके से उसका लॉक तोड़ दिया। मैं दिलचस्पी और खामोशी से उसकी कार्रवाई देखता रहा। स्टार्ट कैसे करोगे? ओह ये भी कोई काम है उस्ताद, तवील अरसे तक मैं यही काम करता रहा हूँ। सरदारे ने जेब से एक तार निकाला और उसे की होल में डालकर घुमाने लगा। तब स्कूटर का डायल रोशन हो गया। बस जरा सा धक्का लगा दो उस्ताद, सरदारे ने स्कूटर पर बैठते हुए कहा और मैंने स्कूटर को धक्का लगाया। दूसरे लम्हे स्कूटर स्टार्ट हो गया, मैं पिछली सीट पर बैठ गया। सरदारे ने इत्मीनान से स्कूटर आगे बढ़ा लिया। खासी रात गए हम होटल में दाखिल हुए थे। डाइनिंग हॉल बुरी तरह गर्म था। मौसीकी की तेज़ लहरें नशर हो रही थी, कह के उबल रहे थे, लेकिन हम अपने कमरे की तारीफ तल पड़े बाहर हाल थक गए थे। हमने लिबास तब्दील किया और अपने बिस्तरों में पहुंच गए। ऐसी तैसी साले की, बड़ा चलाक बंदा था, सरदारे बिस्तर में लेटे लेटे बड़बड़ाया। कौन? मैंने पूछा। वही जैक्सन, मर गया था ना उस्ताद, जिंदा बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे उस्ताद वाकई कमाल कर दिया, मेरी समझ में बात नहीं आई थी। कौन सी बात? वही जब तुमने सेसरो की तलाशी के लिए कहा था। ओह खुदा कसम, कमाल किया था उस्ताद, सरदारे ने हंसते हुए कहा। साले की खोपड़ी ही लुटी हुई, उसका बाप भी हकीकत नहीं समझ सकता था। वैसे मैंने एक बात महसूस की है सरदारे। क्या उस्ताद? थॉमसन की यहाँ काफ़ी चलती है। चलती रहे उस्ताद, हमारे आदमी भी मौजूद हैं यहाँ, लेकिन इस मामले में अभी उनकी मदद की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, वैसे प्रोग्राम क्या है? निपट लेते हैं इस काने से भी। हाँ लेकिन इत्मीनान से, जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 2-4 दिन आराम करेंगे, वैसे भी तफरी नहीं हुई है उस्ताद। वो भी हो जाएगी, अब सोने की कोशिश करो वरना सुबह को तबीयत बोझल रहेगी, मैंने कहा। सरदारे ने करवट बदली। मैं भी वाकयात पर गौर करता रहा और फिर चुपके से सो गया।
दूसरी सुबह हमने नाश्ता किया, अखबार देखा, कोई ख़ास खबर नहीं थी। कैंपिंग के हंगामे के बारे में एक लफ्ज भी नहीं था, न जाने क्यों, लेकिन मैंने दूसरे अंदाज से सोचा। मेरे ख्याल में ये भी थॉमसन के असर की बात थी और इसके दौरान मैंने एक फ़ैसला किया। सरदारे, मैंने सरदारे को आवाज़ दी। उस्ताद, सरदारे ने मुस्तैदी से आवाज़ दी, हमें एक काम और करना है। क्या उस्ताद? 2-3 उमदा से होटलों का इंतखाब करो और उनमें में कमरे बुक करा लो, 2 आदमियों के नाम कमरे हों, थोड़ा थोड़ा सामान भी पहुंचा दो। क्यों उस्ताद? मैं बता चुका हूं, अभी अपने आदमियों को इस हंगामे में शरीक नहीं करूंगा और खुद इन हंगामों से निपटने के लिए पूरी होशियारी की ज़रूरत है। जो उस्ताद का हुक्म। लेकिन क्या आपके ख्याल में थॉमसन की पहुँच मकामी हुकाम तक होगी? हो भी सकती है सरदारे, आसार कुछ ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। और भी ये कोई मुश्किल बात भी नहीं है, थॉमसन जैसे लोग ऐसे ताल्लुकात भी ज़रूरी समझते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेरी एक और तजवीज़ भी है। हाँ हाँ कहो। हम 3-4 किस्म के प्लास्टिक मेकअप भी खरीदेंगे, मेरा मतलब फेस मास्क से है। ये एक फेस मास्क हमारी जेब में भी होना चाहिए। खरीद लेंगे फेस मास्क भी, मैंने तवील सांस लेकर कहा। तब मैं चलूँ? हाँ तुम जाओ, मैं खुद भी थोड़ी देर के बाद चल दूँगा। दोपहर को हम ग्रे फॉक्स में मिलेंगे, मैं एक सड़क पर उसका बोर्ड देखा है। ओके जी, सरदारे ने कहा और उठकर खड़ा हो गया। फिर लिबास वगैरह दुरुस्त करने के बाद वो बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद मैं काफ़ी देर तक बैठा सोचता रहा। अखबारात में जैक्सन के कत्ल की कोई खबर नहीं छपी थी। थॉमसन जिंदा है और यहाँ मौजूद है, यकीनन उसे मेरे यहाँ आने की खबर हो चुकी होगी। अब क्या करना चाहिए? थॉमसन को कत्ल कर देना बहुत ज़रूरी है, ना जाने कहाँ और किस वक्त सरदर्द बन जाए। दूसरी बात मेरे जहन में ये आई कि गुलाम सेठ से काफ़ी अरसे से मुलाकात नहीं हुई और ना ही मैं मुकामी लोगों से मिला। मुमकिन है उनके पास मेरे लिए गुलाम सेठ की कोई हिदायत हो, कोई ऐसी फौरी हिदायत जिस पर अमल करना ज़रूरी हो। लेकिन थॉमसन, पहले थॉमसन की खबर लेना ज़रूरी है। मेरी उससे दुश्मनी चल रही है और जब गलत रास्ते इख्तियार कर लिए हैं तो फिर दुश्मन को छोड़ना क्या मानी रखता है। ठीक है, गुलाम सेठ मेरा बॉस है, लेकिन मेरा अपना भी वजूद है, मेरी अपनी भी शख्सियत है। वो शख्सियत जो मैं बनाना चाहता था लेकिन बन नहीं सकी, और अब जो कुछ बन गया है वो तो फिर पूरा होना चाहिए। चुनाचो पहले थॉमसन, बाद और मैं कुछ और मैंने फ़ैसला कर लिया। बहरहाल आज मैं थॉमसन की रिहाइशगाह का जायज़ा भी लेना चाहता था। इसके बाद 2-3 दिन की खामोशी मुनासिब रहेगी और इसके बाद मैंने लिबास तब्दील कर लिया। कोई ज़रूरी सामान होटल में छोड़ना मैं हमेशा से हिमाकत समझता था, चुनाचा हमारे कागजात और करेंसी हमेशा हमारे पास रहती थी। मैं कमरे से निकल आया, कमरा लॉक करके मैंने लिफ्ट की तरफ जा रहा था। लिफ्ट नीचे गई होगी थी, फिर जब वो ऊपर आई तो उसमें 5 आदमी बाहर निकले। 4 आदमी सूट पहने हुए थे और चेहरों पर खतरनाक नज़र आ रहे थे। 5वां होटल का मैनेजर था। उन लोगों ने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी और मैं लिफ्ट में दाखिल हो गया। लेकिन न जाने मेरी छठी हिस्स ने क्या किया कि मैं दूसरी मंजिल पर उतर गया और लिफ्ट नीचे चली गई। दूसरे ही लम्हे मैंने सीढ़ियों पर दौड़ते कदमों की आवाज़ें सुनी और मैं जल्दी से आड़ में हो गया। वही थे, हाथों में पिस्तौल लिए नीचे भाग रहे थे। उनके पीछे होटल का मैनेजर भी था। क्या मामला है, मैंने सोचा, और फिर मैं वापस सीढ़ियों से अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। कोई गड़बड़ ज़रूर हुई है, मैं सोच रहा था, लेकिन पता कैसे चले क्या हुआ है? पता चलना ज़रूरी है। मैं गैलरी में खड़ा हुआ था कि सामने से केशा आती नज़र आई। मैंने एक लम्हे में फैसला किया और तेज़ी से उसके करीब पहुंच गया। केशा रुक गई। तुम्हारी ड्यूटी है केशा? मैंने पूछा। हाँ जनाब, खैरियत? केशा, ज़ाती तौर पर तुम्हारी मदद दरकार है। हाँ हाँ फरमाइए। केशा, कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ पोशीदा हुआ जा सके, मुझे अपने कुछ दुश्मनों से खतरा है। ओह आइए, वेट्रेस रूम में आ जाइए, इस वक्त मेरे अलावा वहाँ किसी और की ड्यूटी नहीं है, केशा ने फौरन कहा। इस हमदर्द लड़की से मैं पहले ही वाकिफ था, मैं उसके साथ तेज़ी से आगे बढ़ गया। वेट्रेस रूम गैलरी के आखिरी सिरे पर था। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और मैं उसके साथ अंदर दाखिल हो गया। खैरियत जनाब? अभी 4 आदमी अंदर आए थे, मैनेजर भी उनके साथ था। मुझे यकीन है उन्हें मेरी ही तलाश थी। लेकिन क्यों, थॉमसन का नाम सुना है कभी? क्यों नहीं, वो गुंडा खूब। क्या वो बहुत मशहूर है? बर्न में कौन उसे नहीं जानता। मेरी उससे चल गई है, मैंने पी गुटी में उसे बर्बाद कर दिया था। यहाँ मैं अभी कमज़ोर हूँ, उसके साथ ही मुझे तलाश करते फिर रहे हैं। बहुत बुरा हुआ जनाब, बहुत ही बुरा हुआ, केशा हाथ मलते हुए बोली। क्यों, आप उस वशी से वाकिफ नहीं हैं? अच्छी तरह वाकिफ हूँ, क्या तुम मुझे पनाह देने में माजूर हो? मैंने पूछा। सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसी भी क्या, मैं हाजिर हूँ, अगर इस वक्त महसूस करो तो मेरा घर हाजिर है। ओह शुक्रिया अजीम लड़की, मैं सिर्फ इसलिए कह रही थी कि सुनो, तुम ऐसा करो केशा, पहले मालूम करो उनकी क्या पोजीशन है, हम बाद में गुफ्तगू करेंगे। जाओ सूरत हाल मालूम करो, मैं यहाँ मौजूद हूँ। ठीक है, मैं अभी वापस आती हूँ, तुम यहाँ आराम से रहो, मैं बाहर से लॉक किए जाती हूँ। ओके,
मैंने कहा। केशा बाहर निकल गई। मैं एक गहरी सांस ली। मसलहत के तहत खामोश था, वरना सरेआम इन चारों को कत्ल भी कर सकता था, लेकिन कोई हंगामा करने से कबल फौरी पनाहगाह भी ज़रूरी थी और अभी इसका सब बंदोबस्त नहीं था। चनाचा पहले इंतजाम हो जाएं उसके बाद। बाहर आने इस वक्त तो मैं केशा के रहम और करम पर था। अगर वो चाहती तो मुझे गिरफ्तार करा सकती थी, लेकिन मुझे भरोसा था कि वो ऐसा ना करेगी। आखिर थोड़ा सा इंसान शनास भी था। तकरीबन 20 मिनट के बाद केशा वापस आई। उसने दरवाजे में चाबी घुमाई तो मैंने फुर्ती से पिस्तौल निकाली और दरवाजे की आड़ में हो गया। केशा अंदर आ गई। चले गए, उसने गहरी सांस ली। तफसील मालूम हो सकी? हाँ ससुरू, वो पिंटू की तलाश में थे। होटल के रजिस्टर में तुम्हारा नाम मिल गया है, उसी से उन्होंने कमरा नंबर पता चलाया। ओह, लेकिन क्या यहाँ गुंडों को इतनी आज़ादी है? मैनेजर भी इनके साथ था। गुंडे? वो इंतजामिया के आदमी थे। ओह, मैंने हैरत से कहा। बहुत से लोग उसके हाशिया बरदार हैं, उन्हें थॉमसन से बड़ी बड़ी रकमें मिलती हैं। यकीनन यही बात होगी। मुकामी हुकामे से कई को उसने गांड रखा है, वो इसकी मुकम्मल पुष्पनाही करते हैं, इसलिए मुफादात की निगरानी करते हैं। बाज़ औक़ात उसकी खुल्लम खुल्ला मदद भी करते हैं। तो इन लोगों ने मेरे बारे में मैनेजर से क्या कहा? ये कि इंतजामिया को ससुरों की तलाश है, जाहिर है मैनेजर उनकी मदद करने पर मजबूर है। ठीक है केशा, लेकिन वो वापस क्यों चले गए? उनका ख्याल है कि तुम निकल गए, तुमने उन्हें देख लिया था। वैसे जब तुम लिफ्ट में दाखिल हो रहे थे तो वे ख्याल ना किया था, लेकिन उसे फ़ौरन ही तुम्हारी शक्ल याद आई और उसने उन लोगों को बता दिया। चलो ठीक है, तो केशा डार्लिंग, अब गेले छोड़ देना पड़ेगा। कहाँ जाओगे ससुरू? इसकी फिक्र नहीं है, कोई बंदोबस्त कर लूँगा। मेरा घर छोटा है, लेकिन तुम्हारे लिए शुक्रिया के अल्फाज तुम्हारी तोहीन है, इसलिए शुक्रिया अदा नहीं करूँगा। बहरहाल तुम एक नफीस खातून हो कि मैं तुम्हें भूल नहीं सकूँगा। डर गई तुम्हारे घर की बात तो मैं तुम्हारी मदद को कबूल करता, लेकिन फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं रह गई। मेरे साथी ने इंतज़ाम कर लिया होगा, तहम मुझे बस पता बता दो। और केशा ने अपना पता बता दिया। वेरी गुड केशा, अब मुझे इजाज़त हो, अब भी रास्ते से निकल जाओ, आओ मैं पहुंचा दूं। सिर्फ बता दो केशा, मैं नहीं चाहता कोई तुम्हें मेरे साथ देखे, मैंने कहा। केशा खुश होंठों पर जबान फेर कर मुझे रास्ता समझाने लगी। फिर उसने दरवाजे से बाहर झांका और बोली, ठीक है रास्ता साफ है। और अब भी रास्ते से बाहर निकलने में मुझे कोई दिक्कत पेश नहीं आई। थोड़ी देर के बाद मैं सड़क पर था और फिर मैंने एक टैक्सी रोकी और चल पड़ा। टैक्सी एक पार्क के सामने रुकवा कर मैंने बिल अदा किया और फिर पार्क में दाखिल हो गया। शक्ल तब्दील करना मेरे लिए यूँ मुश्किल नहीं था, लेकिन मेकअप में चनाचा मैंने मेकअप उतार दिया और फिर इत्मीनान से बाहर निकल आया। अब मैं एक पब्लिक कॉल बूथ का रुख किया। मैंने अपने मुकामी साथियों से बात करने में कोई हर्ज नहीं समझा था। पब्लिक कॉल बूथ से नंबर मिल गए और रिसीवर कान से लगा लिया। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज़ आई। निक स्टूअर्ट, मैंने कहा। कौन साहिब बोल रहे हैं? नवाज असगर, मैंने जवाब दिया। जी, दूसरी तरफ से किसी कदर हैरानी से पूछा गया। निक स्टूअर्ट से कहो नवाज असगर बात करना चाहता है। बहुत बेहतर, जवाब मिला। अभी थोड़ी देर के बाद एक भारी आवाज़ आई। स्टूअर्ट, नवाज, मैं नहीं पहचाना, स्टूअर्ट की आवाज़ सुनाई दी। बुलंदों वाला पहाड़ से बर्फ़ पिघल रही है और तुम मुझे नहीं पहचान रहे? हैरत है। ओह, मेरा ख्याल है मैं पहचान गया। आपके सामने आऊं तो सया गुलाब का गुलदस्ता पेश करूंगा, स्टूअर्ट की आवाज़ सुनाई दी। और फिर उसने कहा, एक सेकंड होल्ड करें। फिर दूसरी तरफ से अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई दी और फिर निक की आवाज़ सुनाई दी। और साहब, बोल रहा हूँ, माफ़ कीजिए, अब हम इत्मीनान से बात कर सकते हैं। ओह क्यों? मैंने एक आले की मदद से अपने फ़ोन का सिलसिला मुनक़ता कर दिया है, अब हमारी गुफ्तगू कोई और नहीं सुन सकता। वेरी गुड, आप कब तशरीफ़ लाए जनाब? कई दिन हो गए। ओ, क्या हम कहाँ किया? मदाम रीफा ने इतला दी थी कि आप चल पड़े। ठीक है, क्या उसने थॉमसन के बारे में इतला दी? जी हाँ, पीगोडे की मुख्तसर कहानी सुनाई थी। बहरहाल थॉमसन जिंदा है और यहाँ मेरी उससे चल रही है, उसे ठिकाने लगाने के लिए तुम लोगों से मुलाकात करूँगा, मैंने कहा। ओह जनाब, यहाँ थॉमसन, यहाँ बहुत ख़तरनाक है, उसके ज़बरदस्त लोग हैं, आपको मुहतात रहना होगा, निक ने तशवीश से कहा। मैं उसे उसके तालुकात समेत दफन कर दूंगा, फिक्र मत करो। बहरहाल अभी तुमसे नहीं मिल सकता, कुछ करेंसी की ज़रूरत है। हुक्म जनाब, जहां फरमाए पेश कर दूं, निक स्टूअर्ट ने कहा। मैं तुम्हें शाम 4 बजे फ़ोन करूंगा, इसी वक्त तक करेंसी तैयार रखना, मैं बता दूंगा तुम्हें कहां पहुंचना है। मैं आपको देखने के लिए बेचैन हूं जनाब, आपके कारनामे सुन सुनकर आपकी एक तस्वीर बना ली है।
निक स्टुअर्ट ने कहा, और मुझे यकीन है कि मैं तुम्हारी ख्याली तस्वीर से मुख्तलिफ निकलूंगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मुमकिन है, मैं खुद को आजमाऊंगा, निक हंसकर बोला। वैसे करेंसी लेने मेरा आदमी आएगा। ओह बेहतर है, गोया इंतजार करना पड़ेगा, निक ने कहा। किस सिलसिले में? आपको देखने के लिए, मैं बता चुका हूँ, इस काम से निबड़ने के बाद ही तुमसे मुलाकात करूँगा। इसी के साथ ही पार्ट नंबर 1 इख्तिताम पर जी होता है। नॉवल का बकिया हिस्सा पार्ट 2 पर समाप्त फरमाइए।